बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि चारकोल की क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये सामने आप देख रहे होंगे, ये सारी चारकोल है और ये जो बैग है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि चारकोल किस तरीके से होनी चाहिए। एक अच्छे क्वालिटी की प्रीमिक्स बनाने के लिए चारकोल का अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ चारकोल ही है जिससे आपकी अगरबत्तियाँ की क्वालिटी अच्छे से अच्छा बनेगी। अगर चारकोल अच्छी क्वालिटी की होगी तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चारकोल की कैटेगरी कैसी होती है, मतलब किस किस तरीके में चारकोल आती है। तो पहला जो चारकोल होता है जो प्रीमियम क्वालिटी की होती है, अच्छी क्वालिटी की, तो वो होती है जो लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं उनको डायरेक्ट भट्टियों में पकाया जाता है, मतलब भट्टियों से उसे आग के द्वारा पका के निकाला जाता है, वो होती है फर्स्ट क्वालिटी की चारकोल। और सेकंड क्वालिटी की चारकोल, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ चारकोल का भी यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को पकाने के लिए। तो किसी चीज़ को पक जाने के बाद उसमें जो चारकोल, वेस्टेज चारकोल जो बचती है, मतलब आधा पका हुआ आधा जला हुआ चारकोल मान सकते हैं, जिसमें आधा ऐस होता है आधा चारकोल होता है, तो वो सेकेंड क्वालिटी की चारकोल कहलाती है। वो चारकोल भी अगरबत्ती बनाने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती और ज़्यादातर मार्केट में देखा जाए तो उसी टाइप की चारकोल अभी बिक रही है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट क्वालिटी की चारकोल है। तो ये चारकोल के बारे में तो आपको पता लग गया होगा, पहला चारकोल जो अच्छी क्वालिटी की होती है उसे भट्टी से पकाया जाता है, और दूसरा जो हमारी जो स्पंज आयरनों में प्लांट, जो बड़े प्लांट होते हैं स्पंज आयरन, वहाँ से निकलती है आधी जली हुई चारकोल, वो होती है। तो दोनों कैटेगरी समझ में आ गई। अब उसके बाद जो हमारी ये चारकोल होती है उसको क्वालिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके बाद जो है हमने ये बोरियाँ अच्छे से खोल ली है, आपको पूरा चारकोल दिख रहा होगा। अब इसकी जो है क्वालिटी हमें किस तरीके से चेक करनी है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको स्क्रीनिंग करनी है, मतलब इसको आपको छानना है। तो उसके लिए आपको एक छोटा स्क्रीनिंग लेना है इस तरीके से, नॉर्मल आपके किचन वगैरह में ये होगा, और इसमें से आपको कुछ चारकोल आपको लेनी है, थोड़ा चारकोल आप ले सकते हैं। और इसको इस तरीके से आपको स्क्रीनिंग करनी है, मतलब छानना है। अब इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, इसमें होती हैं लकड़ी की छाल हो जाती हैं, या फिर छोटे छोटे कंकड़ भी मिल जाते हैं, पत्थर वगैरह या फिर और कुछ चीज़ें। तो उसको आपको क्या करना है, पानी से डाल के देखना है कि वो एक्चुअल में है क्या चीज़। अगर वो ऊपर की तरफ, ये आपको मैं पेट्रिकल दिखाता हूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पानी मैंने रख लिया है, और ये है हमारे पास जो स्क्रीनिंग किया हुआ चारकोल। तो इसको अपने को क्या करना है, इसमें डालना है। डालने के बाद आपको थोड़ा सा हाथ डालना है इसमें। अभी आप इसमें एक चीज देखेंगे कि जो हल्की वाली चीज है वो ऊपर आ जाएगी, और जो वजन वाली चीज है जैसे कंकड़ हो गया और जो पत्थर का टुकड़ा हो जाता है छोटा छोटा, तो वो सब नीचे बैठ जाएगा। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा ये रॉ अगरबत्ती, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसका जो ऐस है, मतलब ये रॉ अगरबत्ती हमने जला लिया है, तो ऐसा कुछ रॉ स्टिक आप जला लें, रॉ स्टिक लेना है आपको, परफ्यूमिंग किया हुआ नहीं, रॉ स्टिक में आपको अच्छे से पता लगेगा। और जो इसका ऐस होता है जो कि प्योर वाइट आपको दिख रहा होगा, ये जला हुआ ऐस, थोड़ा थोड़ा धुआं भी आपको दिख रहा होगा, तो इस ऐस को आपको थोड़ा सा नीचे गिराना है, जैसा कि कुछ अभी गिरा भी हुआ यहाँ पर। ऐसे इस तरीके से आपको कुछ ऐस लेनी है, और उसे आप चुटकियों में लेके आपको मसल के देखना है कि ये कितना स्मूथ है, मतलब चिकनापन होना चाहिए, ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको जैसे रेत के जैसे नहीं लगनी चाहिए। अगर इस तरीके से कुछ आपको लगेगा तो समझ जाइए कि आपके चारकोल में कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हुई है।
तो ये तरीका होता है चेक करने का। तो ये पानी से भी आप चेक कर सकते हैं और रॉ स्टिक भी जला के आपको देख लेना है, तो इससे आपकी चारकोल की क्वालिटी का पता चल जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में और नई जानकारी के साथ।